हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह चाइना सीआरटी टीवी का किट है और यह दोस्तों हम टीवी में से खोल के लाए हैं इसको रिपेयर करने के लिए। और इसमें दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि इसका जी पावर देने के बाद जो एलईडी लाइट है वह दोस्तों जल रहा था, लेकिन टीवी ऑन नहीं हो रहा था, टीवी चालू नहीं हो रहा था। और इसका सेटिंग है दोस्तों कि यह सप्लाई देने के बाद टीवी को रिमोट से चालू करना पड़ता है या पैनल बटन से। तो दोस्तों हम इसको भी डायरेक्ट करेंगे। तो दोस्तों चाइना सीआरटी टीवी को डायरेक्ट करने का विधि मैं पहले आपको एक वीडियो में बता दिए हैं कि अगर टीवी आपका रिमोट से या पैनल बटन से चालू होता हो तो उस टीवी को हम डायरेक्ट सप्लाई देते ही चालू कैसे करेंगे, ठीक है। वह सेटिंग दोस्तों हम पहले बता चुके हैं। अगर वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन पर उस वीडियो का लिंक मिलेगा, उस लिंक को टच कर वीडियो देखें और सेटिंग सीख लीजिए, ठीक है। इसका सेटिंग दोस्तों सर्विस मोड ओपन करने के बाद दोस्तों इसका सेटिंग होता है। तो सबसे पहले हमको अभी टीवी रिपेयर करना है और इस टीवी में सप्लाई आ रहा है, और जब हम यहाँ पर ला के सप्लाई दिए हैं तो कभी सप्लाई आता है, कभी नहीं भी आता है। लेकिन जब सप्लाई आता है, एलईडी बल्ब हमारा जलता है, तो रिमोट से जब हम इसको ऑन कर रहे हैं तो टीवी हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसको जब हम अच्छी तरह चेक किए तो हमें दिखा है कि यह जो फिल्टर कैपेसिटर आप देख रहे हैं 110 वोल्ट की सप्लाई में यह दोस्तों लगा हुआ है, 100 mW 250 वोल्ट का यह कैपेसिटर है। यह दोस्तों कैपेसिटर हमारा ख़राब हो चुका है, इसमें दोस्तों शॉर्ट लगा हुआ है, ठीक है। चलिए इसमें सप्लाई देकर थोड़ा सा दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सप्लाई देने के बाद इसमें से आवाज़ तो किया लेकिन दोस्तों हमारा पावर एलईडी नहीं जला, और कभी दोस्तों जल भी रहा है, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले दोस्तों ये जल रहा था, अभी नहीं जल रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम दोस्तों इसी में है, ठीक है। इसमें दोस्तों शॉर्ट लगने के कारण सप्लाई को जो है दोस्तों जीरो कर दे रहा है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं यह कैपेसिटर बदल के, और इस कैपेसिटर को हम बाहर निकालते हैं और दिखाते हैं कि यह कैपेसिटर कैसे दोस्तों ख़राब है। चलिए आपके सामने हम निकाल के दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, हम इस कैपेसिटर को बाहर निकाल लिए हैं और देख लीजिए यह कैसे लीक कर गया है। देखिए दोस्तों, यह कैपेसिटर दोस्तों फूल गया है और फूल कर दोस्तों यह बिक दिया है, पूरा फटा हुआ है, इसमें दोस्तों शॉर्ट लगा हुआ है। और यही कैपेसिटर है दोस्तों 100 mW 250 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो इसके जगह पर दोस्तों हम न्यू कैपेसिटर लगाएंगे। तो न्यू कैपेसिटर दोस्तों हमारे पास है, देख लीजिए 100 mW 160 वोल्ट का कैपेसिटर है। यही दोस्तों हम कैपेसिटर इसमें लगा देंगे, ठीक है। ये पुराना वाला है, देख लीजिए इसका दोनों का, देखिए दोस्तों यह फटा हुआ है। तो इस कैपेसिटर को हम हटा देते हैं और इसी कैपेसिटर को दोस्तों हम लगा देते हैं, और लगाने के बाद दोस्तों टीवी हम चालू करके देखेंगे। दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें, तभी आप दोस्तों संपूर्ण रूप से समझिएगा। तो दोस्तों हम कई एक वीडियो में जब भी कैपेसिटर बदलते हैं तो आपको बताते हैं, हर कैपेसिटर में नेगेटिव पॉजिटिव इस कैपेसिटर में होता है। तो यह जो आप देख रहे हैं यह धारी वाला माइनस का चेन, यह दोस्तों हमारा नेगेटिव है और इस साइड पॉजिटिव है। पीसी में भी दोस्तों है, यह काला वाला जो आप चित्र देख रहे हैं यह नेगेटिव का है और पीला वाला दोस्तों पॉजिटिव है। तो नेगेटिव को नेगेटिव में, पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाएंगे ऐसे, तब दोस्तों यह कैपेसिटर काम करेगा। अन्यथा दोस्तों उल्टा लगाएंगे तो यह कैपेसिटर जो है दोस्तों हमारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। चलिए सोल्डिंग कर देते हैं। ये दोस्तों हमारा सोल्डिंग हो गया, अब हम इसमें सप्लाई देंगे और सप्लाई देने के बाद दोस्तों देखेंगे कि टीवी हमारा स्टार्ट होता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, यह है इसका पावर एलईडी। एक कनेक्शन इसका टूट गया है, कनेक्शन करते हैं तो दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, इसमें हम सप्लाई देते हैं और देखते हैं कि अब टीवी हमारा चालू होता है कि नहीं। देखिए दोस्तों, हम इसमें सप्लाई दे दिए हैं और सप्लाई देने के बाद देखिए पावर एलईडी हमारा जल चुका है और टीवी हमारा दोस्तों स्टार्ट हो गया है। चलिए दोस्तों आपको ESD चेक करके दिखाते हैं। तो ESD चेक करने के लिए दोस्तों देखिए, एक हम मीटर का प्रोट लिए हैं, एक प्रोट को दोस्तों हम इसको अर्थ करेंगे यहाँ पर, ठीक है, और दूसरे सिरे से दोस्तों ESD के पास ले जाएंगे। जब हमारा ESD बनेगा तो दोस्तों इसमें से चिंगारी देगा हल्का, देखिए दोस्तों इसमें से चिंगारी ब्लू आ रहा है, देखिए, ठीक है, ये देखिए। तो हमारा जो है दोस्तों
किट पूरी तरह ठीक हो गया या चालू हो गया। चलिए आपको सप्लाई भी नाप के दोस्तों दिखा देते हैं और 180 वोल्ट नापेंगे। जब 180 जब हमारा ईएसटी बनेगा तो 180 वोल्ट दोस्तों दिखाएगा। तो एक प्रोड को दोस्तों देखिए हम इसका अर्थ कर दिए हैं। यहाँ पर 180 वोल्ट सबसे पहले देखें तो देखिए दोस्तों हमारा तकरीबन 150 वोल्ट दिखा रहा है। जब हम दोस्तों इसमें यू कॉइल कसेंगे तो दोस्तों यह 180 वोल्ट दोस्तों बन जाता है। जब लोड पे आता है तो दोस्तों यह चालू हो जाएगा। अभी दोस्तों यह हमें इस किट को निकाले हुए हैं तो पिक्चर ट्यूब जब इसको हम लगाएंगे तो दोस्तों 180 वोल्ट यहाँ पर एकदम नेसेसरी बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा 110 वोल्ट आउट हो बन रहा है और यहाँ पर अभी भी दोस्तों 150 वोल्ट दिखा रहा है और ईएसटी आपको स्टार्ट करके दिखाइए दिए हैं कि ईएसटी हमारा चालू है। तो दोस्तों इसमें जो प्रॉब्लम था वह कैपेसिटर का ही था दोस्तों। जब यह कैपेसिटर ऐसे तो 110 वोल्ट कभी कदाल चेक करने पर दिखा भी दे रहा था और दोस्तों कभी नहीं भी दिखा रहा था, तो यह दोस्तों करंट का एम्पियर मजबूत नहीं बनने के कारण दोस्तों यह टीवी चालू नहीं हो रहा था। तो अब दोस्तों इस टीवी में सप्लाई देते ही दोस्तों यह टीवी हमारा स्टार्ट हो जा रहा है। हमारा जो प्रॉब्लम था इसी कैपेसिटर से था। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो बाएं साइड अंगूठे के निशान को टच करें, एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी बटन को टच कर नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए। दोस्तों सीआरटी टीवी से रिलेटेड वीडियो आप हमारे चैनल पेज पर जाके दोस्तों देख सकते हैं। ठीक है, बहुत से अनेकों फॉल्ट का दोस्तों वीडियो हमारे चैनल पर है, आपका खराबी जो चीज़ में हो आप वह आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तब हम दोस्तों ये जो ईएसटी कैप हम निकाले थे जो फट गया था यहाँ पर, इसको दोस्तों हम न्यू लगा देते हैं। यह दोस्तों पूरी तरह ठीक है। तो अब दोस्तों मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।